लोग सच ही कहते हैं कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है और इस धर्म से जुड़ी हैं कई कहानियां और कई रोचक किस्से, जैसे सचिन का क्रिकेटर बनना एक इत्तफाक था। एक फेमस क्रिकेटर के पिता ने धोनी को पाई पाई का मोहताज होने का श्राप दिया था। एक ऐसा भी क्रिकेटर था जिसे मर्डर के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आज अच्छी खबर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़े ऐसे ही 50 रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धर्म के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। क्या आप जानते हैं सचिन का क्रिकेटर बनना महज एक इत्तफाक है? दरअसल सचिन के घर में किसी का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। सचिन बचपन में बहुत शैतान थे। छुट्टियों में वे पूरे परिवार की नाक में दम किया करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनकी पड़ोस से शिकायत ना आए। इन सब से बचने के लिए परिवार वाले उन्हें शिवाजी पार्क छोड़ने लगे, जहां वे सारा दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेलते रहते थे और वहीं से क्रिकेट के भगवान का जन्म हुआ, जिसे तराशने का काम कोच रमाकांत आचरेकर और बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने किया। सौरव गांगुली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लगातार 4 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं। गांगुली बैटिंग बाएं हाथ से और बॉलिंग दाएं हाथ से किया करते थे। विराट कोहली खेलते समय बार बार बेन स्टोक्स का नाम लेते हैं, यह काफी चर्चा में रहा है। इंग्लैंड के धुआंधार खिलाड़ी बेन स्टोक्स सिर्फ इसलिए अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट भी कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह किस्सा बार बार न सुनना पड़े। दरअसल कोहली गुस्से में बहन वाली गाली बोल जाते हैं, जो लिप सिंक में बेन स्टोक्स जैसा महसूस होती है। भारतीय यूजर्स इस पर स्टोक्स की काफी खिंचाई करते हैं। कोई एक ओवर में कितना रन दे सकता है? जवाब है 77। जी हाँ, 77। यह वाकया साल 1990 में न्यूजीलैंड के फर्स्ट क्लास मैच के दौरान का है, जब बर्ट वांस नामक गेंदबाज को शेल ट्रॉफी के फाइनल दिन एक ओवर में 77 रन पड़े और यह रिकॉर्ड आज तक कायम है। कहते हैं कि हर किसी का बीता हुआ कल होता है और वह अक्सर आज पर भारी पड़ता है, भविष्य में भी पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही हुआ मुरली विजय के साथ। कभी जिगरी दोस्त रहे दिनेश कार्तिक की वाइफ से शादी करने के बाद मुरली विजय को अक्सर ताने सुनने को मिलते हैं। लोग उन्हें धोखेबाज गद्दार कहकर चिढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले टाइमलेस टेस्ट मैच खेले जाते थे, यानी इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती थी। इस तरह का सबसे लंबा मैच 12 दिन चला था, जिसे 1939 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। और खेल को सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि जिस शिप से इंग्लिश टीम को घर जाना था वह दक्षिण अफ्रीका से रवाना होने वाली थी। आज भले ही अमेरिका और कनाडा का क्रिकेट में कोई वजूद न हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में कनाडा और अमेरिका के बीच ही खेला गया था। सचिन ने भले ही सबसे ज्यादा रन बनाए हों, लेकिन राहुल द्रविड़ के नाम सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अब तक 164 मैच खेले हैं, जिनमें 31,258 गेंदों का सामना किया। उन्हें आउट करना गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। परफेक्ट टेक्निक और अटूट कंसंट्रेशन की वजह से उन्हें द वॉल की उपमा दी जाती थी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर यानी कि तीनों फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों, फैक्ट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और अगर आप खुद को क्रिकेट का बहुत बड़ा जानकार मानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर देकर दिखाइए। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है? जवाब इसी वीडियो में है। लेकिन अगर आप मेरे बताने से पहले ये जवाब दे देते हैं तो आप खुद को क्रिकेट का जीनियस समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। हर्षल गिब्स अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने यह कारनामा हॉलैंड के विरुद्ध किया था। आईसीसी के नए रूल के मुताबिक T20 की तरह अब वनडे क्रिकेट में भी बल्लेबाज को पहली गेंद खेलने के लिए तैयार होना होता है। T20 क्रिकेट में विकेट गिरने पर बल्लेबाज को 90 सेकंड के अंदर पहली गेंद के लिए तैयार होना होता है। अब वनडे और टेस्ट में ये समय 2 मिनट का होगा, मतलब अगर बल्लेबाज इतने समय में पहली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे आउट करार दिया जाएगा। टीम में सबसे लेट लती कौन था, इस पर वीवीएस लक्ष्मण का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। सहवाग ने बताया कि लक्ष्मण हर सेकंड का ध्यान रखते हैं, इसी चक्कर में लेट हो जाते हैं। फिर इन सहवाग ने कहा, मान लीजिए कि होटल से स्टेडियम निकलने का समय 7:30 बजे तय हुआ तो लक्ष्मण 7:29:30 पर आते हैं, बस स्टार्ट हो चुकी होती है और दौड़ते हुए चिल्लाते हैं कि ओए रुको, अभी तो 30 सेकंड बाकी है। सौरव गांगुली भी कहते हैं कि 6 नंबर पर बैटिंग करने वाले लक्ष्मण तब भी शावर लेते रहते हैं जब
नंबर 4 उतर चुका होता है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारा हो, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्रिकेट करियर के दौरान गेंदबाज आशीष नेहरा की कुल 12 सर्जरी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 38 साल की उम्र में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 में वापसी भी की। इस पर सौरव गांगुली मजाक में कहते थे कि मुझे लगता है कि शायद वह अपनी पत्नी की तुलना में फिजियो के साथ ज्यादा समय बिताता था, करियर के ज्यादातर समय में उसकी बॉडी ने उसका साथ नहीं दिया। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जिम लेकर ने एक क्रिकेट टेस्ट मैच में 19 विकेट लिए। रिकॉर्ड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में हासिल किया। जिम ने इस क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली पारी में 9 विकेट झटके जबकि दूसरी में 10 विकेट लिए। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से कहा, ओए सरदार, सीधे बल्ले से खेल, आड़े शॉट्स क्यों मार रहा है। सिद्धू ने इसका जवाब देते हुए कहा, कटी उंगली, अपने काम से काम रखो नहीं तो तेरे हाथ काट दूंगा। बहुत कम लोगों को पता है कि वकार के बाएं हाथ में सिर्फ 4 उंगली है। एक बार वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी के दौरान शोएब अख्तर जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए हर गेंद के बाद कह रहे थे, चौका मार के दिखा, चौका मार के दिखा। शोएब के बार बार ऐसा कहने पर सहवाग ने भी जबरदस्त जवाब देते हुए अख्तर से कहा कि तू बॉलिंग कर रहा है कि भीख मांग रहा है। वहीं जुबान से जवाब देने के बाद सहवाग ने अख्तर की इस बात का जवाब अपने बल्ले से भी चौका लगा कर दिया। अपना अपराध स्वीकार करते हुए साउथ अफ्रीकी कप्तान हेंसी क्रोनियो ने कहा था कि 1996 में कानपुर में तीसरे टेस्ट के दौरान मुकेश गुप्ता नाम के शख्स ने उन्हें $30,000 दिए ताकि आखिरी दिन उनकी टीम विकेट गंवाए और मैच हार जाए। इस कबूलनामे के 2 साल बाद 2002 में क्रोनियो की मौत एक विमान हादसे में हो गई। दोस्तों, फैक्ट्स में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला फैक्ट। 25 नवंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के युवा क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का बाउंसर लगने के कारण निधन हो गया। मैच के दौरान उन्होंने हेलमेट भी पहना था लेकिन गर्दन के हिस्से पर गेंद लगने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्रिकेट हेलमेट में बदलाव हुए, कंकशन नियम भी कड़े हुए। ह्यूज के अलावा भारत के बल्लेबाज रमन लांबा की 1998 में ढाका में एक क्लब मैच में फील्डिंग के दौरान सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई थी। आईसीसी के पूर्व अंपायर स्टीव बकनर अगर किसी और प्रोफेशन में होते तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड और बड़े हो सकते थे। कुछ समय पूर्व स्टीव बकनर ने कबूल किया कि उन्होंने सचिन को 2 बार गलत आउट दिया, लेकिन हकीकत इससे अलग है। उनके कई निर्णय सचिन और भारतीय टीम के विरुद्ध ही जाते थे। अनफॉर्चुनेटली तब रिव्यू सिस्टम भी नहीं था और न ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल था। भारत के 2 बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच के 5वें दिन बल्लेबाजी करने का कारनामा किया है। इनमें से एक हैं एमएल जयसिम्हा तो दूसरे हैं रवि शास्त्री। इत्तेफाक से दोनों ही मुकाबले कोलकाता में खेले गए थे। क्रिकेट में खिलाड़ियों की ड्रेस भी वैज्ञानिक सोच के आधार पर बनाई जाती है। वनडे क्रिकेट में खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनते हैं, इसलिए इसमें सफेद गेंद का प्रयोग किया जाता है ताकि बॉल ठीक से दिखाई दे। इसी प्रकार टेस्ट मैच में सफेद कपड़े पहने जाते हैं ताकि दिन में कम गर्मी लगे और टेस्ट मैच में रंगीन बॉल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बॉल ठीक से दिखाई दे। भारत के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले भी एक शानदार मिसाल कायम कर चुके हैं। बात साल 2002 की है जब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी। एंटीगुआ टेस्ट मैच के दौरान गेंद लगने से अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया था। उनके चेहरे पर बैंडेज और पट्टियां बांधी गई थी, फिर भी उन्होंने अपने दर्द की परवाह न करते हुए गेंदबाजी की थी। वैसे ही रणजी ट्रॉफी में टूटी हुई कलाई के चलते एक हाथ से बल्लेबाजी करने पहुंचे हनुमा विहारी भी काफी चर्चा में रहे थे। एक समय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर हमला बोला था। कहा था कि एक दिन धोनी पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे और भीख मांगेंगे। धोनी बहुत अहंकारी हैं। मैंने अपने जीवन में उनसे घटिया शख्स कभी नहीं देखा। योगराज सिंह की इस ओछी हरकत से युवराज और धोनी की दोस्ती में भी खटास आ गई थी। साल 2000 में मोहम्मद अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग के कारण विवादों में घिर गए थे जिसके जरिए उनका क्रिकेट करियर ही खत्म हो गया। उन पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हेंसी क्रोनी ने आरोप लगाया कि अजहर ने उन्हें एक बुकी से मिलाया था। इसके कारण आईसीसी और बीसीसीआई ने उनके करियर को खत्म कर दिया। वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें मैच फिक्सिंग की वजह से बैन किया गया। गावस्कर के साथ बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी, वरना वे क्रिकेटर नहीं बल्कि किसी तालाब या नदी में मछलियां पकड़ रहे होते। गावस्कर ने बताया, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे परिजन मुझे देखने अस्पताल पहुंचे।
उसी दौरान मेरे चाचा जी मुझे देखने आए थे और उन्होंने मेरे कान पर एक बर्थ मार्क देखा था। गावस्कर ने बताया, अगले दिन वो फिर हॉस्पिटल आए, उन्होंने जिस बच्चे को गोद में उठाया उस बच्चे के कान पे वो निशान नहीं मिला। तब हंगामा मच गया, फिर सभी बच्चों की जांच की गई, तब नन्हे गावस्कर एक मछुआरे की पत्नी के पास सोते मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। 80 और 90 के दशक की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ जोड़ा जाता था। कहा तो ये भी जाता था कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैच फिक्सिंग में नाम उछलने के बाद किनारे पर पहुंचा अजय और माधुरी का रिश्ता टूट गया। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा को बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बताया था। बिट्स एंड पीसेस प्लेयर का मतलब है कि वह खिलाड़ी जो खेल के हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा योगदान दे पाता है। इस बयान पर जडेजा भड़क गए थे और उन्होंने मांजरेकर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब भी दिया था, साथ ही बल्ले से भी खूब रन बनाए थे। गुस्से में तब जडेजा ने मांजरेकर को वर्बल डायरिया करने वाला बताया था। 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी में जब वीरेंद्र सहवाग इंग्लैंड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम में कोच जॉन राइट ने गुस्से में सहवाग का गला पकड़ लिया था और उन पर जोर से चिल्लाए थे। ये खबर कई दिन मीडिया में छाई रही। जब युवराज सिंह पहली बार भारतीय वनडे टीम में चुने गए तो उस समय कप्तान सौरव गांगुली ने अचानक उनसे ओपनिंग करने को कह दिया। गांगुली की बात सुनकर युवराज को पसीना आ गया, हालांकि उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें नींद ही नहीं आई और फिर उन्हें नींद की दवा लेकर सोना पड़ा। लेकिन अगले दिन दादा ने यूवी से कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। 2004 में भारत के पाकिस्तान दौरे पर मुल्तान टेस्ट में राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान थे। इस मैच में जब सचिन 194 पर बैटिंग कर रहे थे तभी द्रविड़ ने अचानक पारी घोषित करके उन्हें वापस बुला लिया। सचिन जब गुस्से में ड्रेसिंग रूम में आए तो सभी को लगा कि अब बवाल होगा, लेकिन सचिन ने द्रविड़ से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद राइट और गांगुली ने इस पर सचिन से माफी मांगी। युवा विराट कोहली जब पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे तो सभी ने उनसे कहा कि यहां पहले सचिन तेंदुलकर के पैर छूने होते हैं और उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है। कोहली ने ये बात मान ली और फौरन सचिन के पास पहुंच गए। सचिन ने उन्हें देखकर उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जब कोहली ने उनसे आने का कारण बताया तो सचिन हंस पड़े और कहा कि वो सब तुमसे मजाक कर रहे हैं। 1971 में जब फारूक इंजीनियर और सुनील गावस्कर का चयन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम में हुआ, मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था। सुनील गावस्कर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था जबकि इंजीनियर उनसे सीनियर थे। इंजीनियर ने गावस्कर से ड्रेसिंग रूम में सलाह देने के इरादे से कहा कि शून्य पर आउट होकर मत आना क्योंकि मेलबर्न का पवेलियन बहुत दूर है। मजेदार बात यह रही कि गावस्कर को हिदायत देने वाले इंजीनियर खुद शून्य पर आउट होकर लौट गए और तब गावस्कर को बहुत हंसी आई। पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के दौरान सभी भारतीय क्रिकेटरों ने अपने कप्तान सौरव गांगुली को बेवकूफ बनाने की सोची। मास्टरमाइंड हरभजन सिंह थे। गांगुली पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने खिलाड़ियों की शिकायत की है। सभी ने गांगुली को घेर लिया और जवाब तलब करने लगे। गांगुली ने इस बात को गलत बताया और कहा कि मैं कप्तानी छोड़ने को तैयार हूं। गांगुली को परेशान होता देख द्रविड़ ने सारी सच्चाई बता दी। 2007 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बेहद शर्मनाक ढंग से बांग्लादेश से हारकर बाहर हो गई। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में सचिन ने तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल से सवाल किया, तुम्हें भारत जाने में डर तो नहीं लग रहा। जवाब में मुनाफ ने कहा, पाजी जहां मैं रहता हूं वहां मेरे 8000 लोग हैं और वही मेरी सिक्योरिटी है। 2008 IPL में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे हरभजन सिंह ने तब किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेल रहे गेंदबाज एस श्रीसंत को झापड़ जड़ दिया था। इसके बाद दुनिया ने श्रीसंत को रोते देखा था। फिर इस मामले 11 साल बाद 2019 में हरभजन सिंह ने टीम इंडिया में अपने साथी खिलाड़ी रहे श्रीसंत की ओर दोस्ती का हाल बढ़ाया था। गौरतलब है श्रीसंत फिक्सिंग बैन भी झेल चुके हैं और इस मामले में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई थी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अपने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट करियर में केवल एक बार शून्य पर आउट हुए हैं और गेंदबाज युवा भुवनेश्वर वो गेंदबाज थे जिन्होंने उन्हें आउट किया। डेब्यू पर अब तक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजी का आंकड़ा भारत के नरेंद्र हिरवानी के पास है। उन्होंने डेब्यू पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 136 रन देकर 16 विकेट झटके। हिरवानी ने बॉब मैसी के 137 रन पर 16 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ डाला। महान सर डॉन ब्रैडमैन जो अपने टेस्ट करियर में 99.94 की औसत से खेले वह केवल एक बार हिट विकेट आउट हुए। इसका श्रेय एक भारतीय गेंदबाज को जाता है। वह गेंदबाज थे महान लाला अमरनाथ। IPL के ताबड़तोड़ फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज के लिए मेड इन ओवर फेंकना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के पूर्व स्विंग बॉलर प्रवीण कुमार ने सबसे ज्यादा 14 IPL मेड इन ओवर डाले हैं।
24 सितंबर 2007 का दिन साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग मैदान भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 की विश्व विजेता बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि BCCI इस फॉर्मेट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं था। उस समय टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम भी वापस ले लिया था। ये दिग्गज और कोई नहीं सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ थे। धोनी एंड कंपनी की ऐतिहासिक जीत ने भारत के लिए सब कुछ बदल दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में शुरू हुई, इसमें पहला विकेट जहीर खान ने लिया था और इस टूर्नामेंट में आउट होने वाले प्रथम खिलाड़ी सौरव गांगुली थे। IPL का पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता था जिसका नेतृत्व दिवंगत खिलाड़ी शेन वॉन ने किया था। पहले IPL में 11 मैच खेलकर 22 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के सोहेल तनवीर पर्पल कैप होल्डर बने थे। डेनियल जार्विस नामक एक व्यक्ति भारत और इंग्लैंड सीरीज के दौरान बार बार मैदान में घुस आता था। वह कभी बॉलिंग रनअप पर आकर दौड़ने लगता तो कभी भारतीय टीम के सपोर्ट में बैटिंग गियर पहनकर मैदान में उतर आता। सोशल मीडिया पर वह जार्वो नाम से मशहूर है। वह हमेशा 69 नंबर की जर्सी पहनकर ऐसी उत्पटांग हरकतें किया करता था जिसे फैंस काफी एंजॉय करते थे। कोरोना वायरस के चलते ICC ने गेंद पर थूक लगाने पर बैन लगाया था। अब इस बैन को हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है, मतलब अब कोई खिलाड़ी थूक से गेंद नहीं चमका सकेगा, उसे सिर्फ पसीने से ही गेंद चमकाने की इजाजत होगी। अभिनेता सैफ अली खान के पिता नवाब पटौदी टीम इंडिया के कप्तान रह चुके हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन उनके दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी इंग्लैंड और भारत दोनों की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो आजादी से पहले इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे। 2022 में जब मुंबई इंडियंस लगातार मैच हार रही थी तब भी उम्मीद की जा रही थी कि अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक साल का इंतजार करना पड़ा और आखिर में 16 अप्रैल 2023 को वे अपने डेब्यू मैच खेलने मैदान पर उतरे। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर IPL के लिए क्रिकेट खेलने वाली पहली पिता पुत्र की जोड़ी बन गई। भारत में अंपायर बनने के लिए किसी भी तरह की शैक्षिक योग्यता नहीं मांगी जाती है, लेकिन कैंडिडेट को क्रिकेट के सभी प्रमुख नियमों को सीखने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होना बेहद जरूरी है। अंपायर बनने के लिए कैंडिडेट का शारीरिक रूप से फिट होना बेहद जरूरी है। इस दौरान कैंडिडेट की आईसाइट, फिटनेस, क्रिकेट के नियम आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। BCCI हर साल इस परीक्षा का आयोजन करती है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर लेस्ली हिल्टन एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें मर्डर के अपराध में फांसी पर चढ़ाया गया था। उन्हें अपनी पत्नी लोरलिन रोज की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। अब तक लगभग 300 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि केवल 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने जितने रन बनाए हैं उससे अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं। इस विचित्र क्लब में प्रवेश करने वाले पहले महान भारतीय गेंदबाज हैं BS चंद्रशेखर, जबकि दूसरा नाम है प्रज्ञान ओझा का। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी यानी 50वें फैक्ट पर। आपको याद होगा हमने शुरुआत की थी सचिन तेंदुलकर के साथ, तो चलिए अंत भी उन्हीं के एक रोचक फैक्ट के साथ करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सचिन को अपनी स्कोर की हुई हर एक सेंचुरी बिल्कुल क्लियरली याद है। उन्हें ये भी याद है कि वे किस मैच में किसकी बॉल पर कैसे आउट हुए थे और इसके अलावा सचिन के पास उन सारे बल्लों का कलेक्शन है जिससे उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी लगाई हो, और वो बैट देखते ही उस मैच के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं। मानना होगा क्रिकेट के मामले में सचिन की याददाश्त हाथी की तरह है, वे कुछ भी भूलते ही नहीं। दोस्तों ये थे क्रिकेट की दुनिया के कुछ गजब के रोचक तथ्य। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।